आज का प्रेरणा पाते प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। प्रारब्ध उदय भाग्योदय ये पर्यायवाची है और पुरुषार्थ का अर्थ होता है मेहनत करना परिश्रम करना। जो पूर्व में यानी पिछले जन्म के अंदर हमने जो परिश्रम किया था सुकृत या दुष्कृत उसका परिणाम इस जन्म के अंदर भाग्य उदय और प्रारब्ध के रूप के अंदर मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुरुषार्थ है वो प्रारब्ध या भाग्य में बदलता है और जो भाग्य के साथ जो है वो पुरुषार्थ के अंदर बदलता है। ये दोनों बदलते रहते हैं। अतः प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू है, एक दूसरे से बनता है और दूसरा पहले से बनता है। अब हमारा जो पुरुषार्थ है वो किस तरीके का उसके अनुरूप ही हमें फल मिलता है। अगर सुपुरुषार्थ है तो फल अच्छे मिलेंगे, पुण्य के फल मिलेंगे और कुपुरुषार्थ है तो पाप के फल मिलेंगे। अतः हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें सद कार्य किया जाए, सद प्रवृत्ति की जाए, परोपकार के कार्य किए जाए, किसी को कष्ट नहीं दिया जाए, ताकि कि वह हमारा पुरुषार्थ है अच्छा पुरुषार्थ कहलाए और अच्छे पुरुषार्थ से अच्छा प्रारब्ध उदय या भाग्योदय होता है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है, वो एक ही चीज है कि प्रारब्ध होता है वह पुरुषार्थ में बदलता है और पुरुषार्थ है वो हमारा प्रारब्ध और भाग्योदय के अंदर बदलता है। भाग्योदय जो हमारा होता है वह